भारत माता की। मैं मुजफ्फर सर से विनती करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन यहाँ पे दीजिए श्री मुजफ्फर सर। सम्माननीय व्यासपीठ वीरावेंद्र के आमदार गीता जैन जी, कच्ची युवक संघ के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे अजीज दोस्त, सबका नाम होगा तो फिर लंबा हो जाएगा, बोरीवली से गाड़ी कच्छ तक पहुंच जाएगी। मेरा जन्म गोरेगांव में हुआ, जवाहर में। खेती बाड़ी इधर सब थी, स्कूल कॉलेज सब गुजराती, मारवाड़ी, जैन और कच्छियों में गया। तो कच्छ क्या है और कच्छियों क्या है, कच्छी कैसे होते हैं, ये बचपने से जाना है, देखा है, पहचाना है, घर में खाना खाया है उनके, वो हमारे घर में खाना खाते हैं। आज भी मेरे बचपन का दोस्त और कॉलेज का दोस्त, सब में अजीज दोस्त जो होंगे तो वो कच्छी है। तो कच्छी समाज मेरे लिए नया नहीं, व्यापार में आया तो भी हमारे एक लकड़े के व्यापारी अरविंद भाई पटेल, वो भी कच्छ के, नखटराणा के। और आपके कच्छ में जो बड़ी दरगाह है हाजीपीर, वहां अगर आप जाओ तो देखो तो सारा कच्छ आपको नजर आएगा, सभी समाज के लोग नजर आए। आज का ये सत्कार समारंभ उन लोगों के लिए है जिन्होंने रक्तदान दिया। मैं कहूंगा उन्होंने रक्तदान नहीं दिया, उन्होंने एक जीवन दान दिया। और जीवन का दान वही दे सकता है जिससे ईश्वर ये काम करवाना चाहता है, भगवान जिससे काम करवाना चाहता है वही जीवन का दान दे सकता है। डॉक्टर देता है, संत महात्मा पीर फकीर पैगंबर ये देते हैं, आपने अभी हाजी पीर का नाम बताया, सभी धर्मों की पुस्तकों में, वेदास में, ऋग वेदास में, भागवत गीता में, हिंदू मुस्लिम सभी की किताबों में मनुष्य धर्म परम धर्म, मनुष्य की सेवा पहली सेवा। ईश्वर ने, ब्रह्मदेव ने जब पृथ्वी बनाई, थोड़ा समय लेगा चलेगा ना, क्योंकि रक्तदान इतना बड़ा दान है कि इसके सामने कोई दूसरा दान महत्व का नहीं रखता। जो यहां पे जिन्होंने रक्तदान किया है उनकी अगर मैं सराहना यहां पर हम नहीं करें तो खाली सम्मान करके ही पूरा नहीं होगा। तो चार शब्द जो उन्होंने दान दिया है उसका कितना बड़ा महत्व है, उसे उनको नहीं तो बाकियों को भी समझना चाहिए। तो सभी धर्मों के अंदर ईश्वर ने, ब्रह्मदेव ने जब पृथ्वी बनाई तो हर आदमी का, हर इंसान का, हर मनुष्य का, हर जीव जंतु का, जैन धर्म में कहते ना कि भाई चींटी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, जानवर को मारना नहीं चाहिए, वृक्ष तोड़ना नहीं चाहिए, तो ये ब्रह्मदेव, ईश्वर, परमेश्वर, आप इसका चाहे जो नाम दे दीजिए, इसने पृथ्वी का एक निजाम जिसे कहते हैं एक साइकिल बनाया हुआ है। और उस सारे साइकिल के अंदर जब मनुष्य की बारी आती है तो उसने मनुष्य के अंदर शरीर में एक ही रक्त बनाया लाल कलर का, और उसको बनाते वक्त उसमें ये नहीं बोला जानवरों की तरह कि ये गिर की गाय है, ये राजस्थान की गाय है, ये मद्रास की गाय है, उसने बोला मनुष्य, मानव धर्म, यही बोला ना। और जब इंसान को ये कोविड में आपने, हमने सबने देखा कि ब्लड के लिए कैसे जाने जा रही थी, और उस समय कच्ची युवक संघ ने जो कार्य किया उसके लिए मैं चाहूंगा, आप लोग तो रक्तदाता है, सब लोग जोरदार तालियां कच्ची युवक संघ के लिए बनाइए। और यहां मंच पे जो मानुभाव बैठे हैं, क्योंकि कई सालों से मैं आप लोगों को देखता हूं, 13 साल से कच्ची युवक संघ चलता है, 50 रक्तदान शिविर किए, और आप लोग हमेशा इन नौजवानों की पीठ थपथपाने के लिए हाजिर होते हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। परमेश्वर ने सबका रक्त एक जैसा बनाया, डॉक्टर के हाथ में ताकत दी कि वो जान बचाए, इंसान के हाथ में, शरीर में वो ताकत दी कि वो दूसरे की जान बचाए। सदियों से, हजारों करोड़ों
हिंदू मैथोलॉजी में बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता है, हमारे मुस्लिम मैथोलॉजी में कहते हैं 125,000 पीर पैगंबर इस पृथ्वी पे आए मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए, मगर फिर भी मनुष्य रास्ता नहीं समझता। जानवर को आपके हमारे गांव में, जो भी आपका गांव है हमारा गांव है, जानवर सवेरे गाय को चरने को छोड़ते हैं, अपने छोड़ते हैं कि नहीं, शाम को बरोबर घर पे आ जाते, बैलगाड़ी में किसान सो जाएगा लेकिन बैल बरोबर घर पे जाके रुकेगा, घोड़ा बरोबर अपनी जगह पे जाके रुकेगा। आपके घर में अगर पेट है, बिल्ली है, कुत्ता है, तो आप घर में जाएंगे तो बच्चे और बीवी से ज्यादा पहला स्वागत करने को वो पहुंचता है। परमेश्वर ने जानवर को इतनी क्षमता दी, उसके लिए कोई पीर पैगंबर नहीं भेजा, कोई महाभारत नहीं रची, रामायण नहीं रची, वेदास नहीं लिखा, कुरान नहीं लिखा, बाइबल नहीं लिखा, मगर मनुष्य के लिए लिखना पड़ा। विष्णु को 10 अवतार लेकर पृथ्वी पे आना पड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आना पड़ा, गोविंदा गोविंदा बन के आना पड़ा, कृष्ण भगवान बन के आना पड़ा, हमारे प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम बन के आना पड़ा, यीशु क्रिस्त बन के आना पड़ा। उसके बावजूद भी मनुष्य मनुष्य की जान का दुश्मन है और उसी रक्त का दुश्मन है जो रक्तदान आज आप लोगों ने किया। तो ये कितना बड़ा दान आप लोगों ने किया है उसका महत्व समझिए। आपने सिर्फ कच्ची युवक संघ के शिविर में आके रक्तदान नहीं किया है, आपको क्या पता आपका ब्लड किसकी बोतल में, कौन सी ब्लड बैंक में, किसके शरीर में गया, वो कौन से समाज का था, कौन सी जाति का था, धर्म का था, पंथ का था, भाषा का था, कौन से मजहब का था, आपको नहीं पता। इसलिए आपको आपने आप में बहुत बड़ा फक्र, जिसे कहते हैं कि गर्व महसूस होना चाहिए कि आपने इस 50 शिविरों के अंदर जो भी रक्तदान आपने किया है, आपने जीवन दान किया है। और जीवन दान, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि ये सिर्फ परमेश्वर ही आपके हाथ से काम ले सकता है, कच्ची युवक संघ भी नहीं ले सकता, मंच पे बैठे हुए लोग भी नहीं ले सकते, और हमारे ऐसे पुढ़ारी लोग तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ रक्त बहाना जानते। हकीकत यही है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पूरी दुनिया की बात करो, वर्ल्ड वॉर 2 देखिए कि दुनिया भर में जितनी लड़ाइयां हुई है मनुष्य ने सिर्फ मनुष्य का रक्त बहा है, रक्तदान नहीं किया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का, रक्तदान करने वालों का, रक्तदान शिविर आयोजन करने वालों का, और यहां बैठे महानुभाव का सबका दिल से मन से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अपनी रजा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।